5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 इन 2023। 2022 जा चुका है, वक्त के साथ साथ कई सारा स्मार्टफोन भी चेंजेस हो चुका है 10,000 के प्राइस रेंज में। अगर आपको इस टाइम पे 10,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे अभी के टाइम पे 10,000 के अंडर में। और ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज का, जिनमें पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, आप चाहे तो हल्का फुल्का गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा कैमरा मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा। ओवरऑल 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो अगर आपको 10,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। इन सभी फोन के छोटी से बड़ी फीचर्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को। तो अगर आपको 10,000 रुपया में ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए अभी के टाइम, तो आप ले सकते हैं मोटोरोला G32 को। इसके जगह पे आप मोटो G31 को भी ले सकते हैं, बट उससे काफी बढ़िया ये फोन होगा। खैर, क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, चलिए एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का बिल्ड क्वालिटी से ही, तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 184 ग्राम इस फोन का वेट है, जो की लाइट वेट ही कह सकते हैं। एंड 8.4 mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। तो इस फोन का डिजाइन वगैरह देख ही सकते हैं, बढ़िया मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है। इनमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिसे आप दो सिम आराम से इसमें लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर, जिसके कारण एक भी रूटवेयर ऐप थ्रेड्स नहीं दिखेगा इसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन का मेन मेन फीचर्स का। तो इस फोन में फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 6.5 इंच का है। 10,000 के फोन में फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी बढ़िया बात है। एंड 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है। तो चलिए ये तो हो गया डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। ये प्रोसेसर जो है ना मीडियाटेक हेलियो G96 जैसा ही है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 30W का चार्जर को। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और यही फोन मिल जाएगा फिलहाल के टाइम पे आपको 9,999 रुपया में। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 10,000 रुपया में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12। ये फोन भी फिलहाल के टाइम पे आपको 10,000 रुपया में मिल जाएगा, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी मिलेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 184 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8 mm का थिकनेस है। इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह काफी खूबसूरत सा मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो XOS 10 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 6.7 इंच का फुल HD+ है, जिनमें 1000 nits का पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है, जिससे आपको सनलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, जो कि ये ठीक ठाक ही है 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से। तो नो डाउट डिस्प्ले इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर हल्का फुल्का गेमिंग करने में भी काफी मजा आएगा। और हाँ, इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा 2 MP का है, थर्ड कैमरा AI लेंस है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.6 का अपर्चर है, और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी लाजवाब का है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं इससे। तो बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में मीडियाटेक हेलियो G88 वाला प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर को ज्यादा हैवी तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से पावरफुल है। आप इस फोन में फ्री फायर जैसा गेम खेल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड 2.5 लाख+ इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। तो बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो की सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये चार्जर जो है ना बढ़िया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के बहुत सारे फोन में तो 18W का चार्जर मिलता है, कई में तो चार्जर का सपोर्ट कितना मिलता है तो वो मेंशन भी नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का।
का। इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 512GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 10,500 रुपए में। अगर आपको अभी के टाइम पे 10,500 रुपए में अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme 9i। जी हाँ दोस्तों, यह फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 11,000 रुपए में और इस प्राइस रेंज के हिसाब से यह फोन एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बट इस फोन का डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा लगता है देखने में। 8.4mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है, काफी पतला सा ही फोन है। एंड 190 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं। और कुछ बेसिक बात करते चले तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। इसमें फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो Realme UI 2.0 के साथ आता है जो की एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर, अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में LCD डिस्प्ले ही मिलेगा जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है, जिसमें 480 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है जो कि ज्यादा तो नहीं है बट हाँ ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डेलाइट वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। बात की जाए स्मूथनेस की तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। स्मूथनेस बढ़िया है, अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया ही है इस फोन का। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा 30 कैमरा 2-2MP का है जो की माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटो वीडियोज क्लिक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, तो नो डाउट कैमरा बढ़िया ही है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इनमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर को ज्यादा हम हैवी नहीं कह सकते हैं बट हाँ ठीक ठाक ही है, अगर आप इस फोन में हल्का फुल्का गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और 270,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि 10,000-11,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर बढ़िया है। बात करें बैटरी का, तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये चार्जर बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और यही वाला फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 10,999 रुपया में। और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपको 10-11,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi 10। जी हाँ दोस्तों, यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 10,000 के प्राइस रेंज में। अगर आपको 10,000 रुपया में ही एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। यह फोन आपको हल्का फुल्का भारी महसूस करा सकता है क्योंकि इस फोन का वेट 203 ग्राम है। भारी होने का रीजन ये भी है क्योंकि इसमें 6000mAh का बैटरी लगा हुआ है और 9.1mm का थिकनेस भी है। थिकनेस भी थोड़ा सा मोटा जरूर है। और कुछ बेसिक फीचर की बात करते चले तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर, अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इनमें 6.7 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको केवल HD प्लस ही डिस्प्ले मिलेगा, नॉर्मल 60Hz का इसकी रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है जो कि ये चीज इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है। 400 nits का ब्राइटनेस भी मिलेगा, ज्यादा तो नहीं है बट हाँ ठीक ठाक ही कह सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं फोन का प्रोसेसर का। तो इनमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है। 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर को एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर कह सकते हैं। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं, फ्री फायर जैसा गेम, तो आराम से इसमें कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करें बैटरी का, तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरा मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। ये चार्जर चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है बट हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम यूजिंग के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जो आपको अच्छा खासा बैकअप निकाल के दे दे तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा 5MP का है। और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है, प्राइमरी कैमरा ही इस फोन
का थोड़ा सा बेटर मिलेगा, बाकी का कैमरा उतना अच्छा नहीं है। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 9999 रुपए में। अगर आपको 10,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए अभी के टाइम पे, तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट में आखिरी फोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। कुछ दिन पहले यह फोन खुलेआम 10,000-11,000 रुपए में मिल रहा था, बट अभी के टाइम पे यह फोन आपको 12,000 रुपए में मिल रहा है। और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आप इस फोन को सेल ऑफर में ट्राई करते हैं तो आराम से यह फोन आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, क्या कुछ इस फोन का स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ही फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 179 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं, आई मीन लाइट वेट ही है। एंड 8mm का थिकनेस यानी कि पतला सा फोन है। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। एंड्रॉइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन का मैन फीचर्स का। तो इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.4 इंच का फुल HD प्लस है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। और इनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दिया गया है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। 700 nits का पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा जो कि बढ़िया है, जिससे आपको डे लाइट वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है जो कि माइक्रो लेंस है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा जो है ना 12,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर हालांकि 12nm पर ही बना हुआ है, बट प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी ज्यादा है। तो बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। चार्जर भी ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इनमें 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 12,000 रुपए में, बट अगर आप इस फोन को जुगाड़ लगाकर खरीदेंगे तो आराम से यह फोन आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। फिर अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा, बट आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।